सो हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल लीजेंड समर में। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ अटैक्स के रिप्ले और लाइव अटैक्स करके दिखाऊंगा। इनमें आप TH9 की एक अटैक स्ट्रेटेजी दिखाऊंगा, जिसकी वजह से गाइस मुझे इतनी ज़्यादा लूट मिली कि क्या बताऊं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक भी करना ना भूलें। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस आप देख पा रहे हैं मेरे पास कितनी लूट है। अभी कॉइन भी कुछ देर पहले फुल थे, लेकिन मैंने उन्हें वॉल्स पर लगाया। तो मैं आपको कुछ अटैक्स के रिप्लेस दिखाता हूँ। ये देखिए, 5 लाख 5 लाख की लूट, 2 लाख, 7 लाख 7 लाख, 4 हज़ार डार्क एलेक्सर की लूट देख रहे हैं। और भी मैंने ऐसे बहुत सारे अटैक्स दिए जिनमें इतनी ज़्यादा लूट लिया ना मैंने, आप सोच नहीं सकते। और मेरा अभी मैं तो डार्क एलेक्सर भी फुल करने वाला था, लेकिन कनेक्शन प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाया। मैं आपको कुछ रिप्लेस दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ओवरऑल था 7 लाख 8 लाख और 4 हज़ार डार्क। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से हम क्वीन वॉक से स्टार्ट करेंगे इस तरीके से अटैक। मेरे को थोड़ा डार्क ज़्यादा चाहिए था, तो मैंने डार्क एलेक्सर को दिया ज़्यादा सपोर्ट। देखिए अभी अटैक्स, अब इस अटैक को देखिए कितना मस्त है, एकदम परफेक्ट तरीके से अटैक हुआ है। बस 2 स्टार से रह गया, अगर टाइम प्रॉब्लम ना होती तो ये 2 स्टार था पूरा। भले ये एक्सपो की वजह से शायद 99% पर अटक जाता, लेकिन 2 स्टार हो जाता टाइम प्रॉब्लम ना होती तो। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा अटैक गया ये। पूरा बेस पहले तो साइड से क्लियर हो गया, उसके बाद देखते जाइए कैसे लूट लिए। यहाँ पे अभी मेरा इतना ज़्यादा लूट रह गई थी, फिर भी ये पूरी की पूरी लूट उड़ा ली मैंने। देखते जाइए, यहाँ पे डार्क एलेक्सर लगभग पूरा उड़ा ही चुके हैं हम। हमने यहाँ पे पूरा डार्क एलेक्सर ले लिया, बस 166 ये यहाँ तो टाउन हॉल में होगा, नहीं तो टाउन हॉल में ही है। ये देखिए बस गाइस, यहाँ पे टाइम प्रॉब्लम हुई, वरना ये अटैक 2 स्टार था। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कितनी ज़्यादा लूट यहाँ पे ली है। तो चलिए अब बड़ा दिखाता हूँ आपको एक और अगला अटैक, वो भी मेरा बहुत अच्छा अटैक गया था। तो गाइस ये रहा वो अटैक, ये देखिए 3 3 4 4 लाख कितनी ज़्यादा लूट ली है। तो ये देखिए, ये टाइका नाम का प्लेयर है। ये देखिए 9 लाख 9 लाख और 6 हज़ार डार्क एलेक्सर, इतनी ज़्यादा लूट मिली। और इसका बेस ऐसा था, मतलब इतना रश बेस था और इतनी ज़्यादा लूट ले रखी थी, मज़े आ गए थे इस पे तो अटैक देने पे। ये देखिएगा कितना मतलब लोअर बेस है टाउन हॉल 9 का, और लूट देखे यहाँ पे आप 9 9 लाख की। तो कौन अटैक नहीं देगा ऐसे बेसिस पे, कौन छोड़ेगा इतनी ज़्यादा लूट। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ हमने करी। आप अटैक एंजॉय करिए, मैं आपको मिलता हूँ अब अगले अटैक में।
सो गाइस यहाँ पे अटैक तो हो चुका है 3 स्टार, लेकिन अभी एक ट्विस्ट है। देखिए इलेक्ट्रो ड्रैगन एंड में ही मर गया, लेकिन बैरक्स भी तोड़ दिया और पूरा 100 स्टार अटैक गया, 100% अटैक। सो गाइस इतना मस्त अटैक और इतनी ज़्यादा लूट कौन, आप मुझे खुद बताइए, इतनी अच्छी लूट मिली थी। और एक दो अटैक्स मैं आपको दिखाता हूँ रिप्ले, उनमें भी ऐसी मेरे को बहुत अच्छी अच्छी लूटें मिली। तो ये देखिए 5-5 लाख की लूट है, बस डार्क पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था इस बार, इस वजह से डार्क एलेक्सर आ नहीं पाया। ये देखिए गाइस टावल 10 का था ये प्लेयर, इस पर अटैक दिया था, तो इस पर अटैक और से देखिएगा कैसे हुआ। थोड़े डेड बेस था, इस वजह से इन्फर्नो डाउन थे इसके, और 6-6 लाख की लूट थी और 3000 डार्क था। सो गाइस देख सकते हैं आप कैसा एकदम परफेक्ट अटैक जा रहा है अभी तक। सो गाइस आप देख ही पा रहे कैसे एकदम परफेक्ट अटैक जा रहा है। किंग की एबिलिटी भी ले ली हमने, अब बस हमारे पास एक फ्रीज स्पेल बचा है। कोइन की हेल्थ भी आप देख सकते हैं अभी काफ़ी है, ये गया था 66%। और यहाँ पे हमने 5-5 लाख की लूट ले ली। सो गाइस यहाँ पे भी टाइम प्रॉब्लम ही हुई थी, वरना थोड़ा सा और लूट हमें मिल जाती। सो गाइस अब बढ़ते हैं एक लाइव अटैक की तरफ, आपको एक लाइव अटैक करके दिखाऊंगा। ये देखिए ये है आर्मी, 2 आर्चर्स, 4 वॉल ब्रेकर, 10 विज, 2 पैका और 8 वेलकरीज। मैं आपको दिखाता हूँ अटैक, इस पे ज़्यादा लूट नहीं है, नेक्स्ट करेंगे। सो गाइस ये देखिए सेकंड बारी में ही हमें इतनी मतलब बढ़िया लूट मिली है, ऑलमोस्ट 4 लाख, 4 लाख गोल्ड एलिक्सर है और 3000 डार्क है ऑलमोस्ट। तो अब हम यहीं से अटैक चालू करेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पे पहले क्वीन डिप्लॉय करेंगे, फिर हीलर्स, फिर क्वीन मतलब भटक ना जाए इस वजह से थोड़ा विज, फिर आ जाते हैं दूसरी साइड। तो यहाँ से पैकर डिप्लॉय करेंगे पहले, फिर विजार्ड कुछ, अब हम यहाँ पे अपना 2 विजार्ड्स बचा के रखते हैं। अब यहाँ पे हम किंग डिप्लॉय कर देते हैं, फिर वॉल ब्रेकर, अब सारी की सारी वेलकरी जैसी वॉल टूट जाएगी, तो ये वॉल ब्रेक हो चुकी है, अब सारी वेलकरीज आएंगी। अब थोड़ा सा अंदर जाती एक रेज स्पेल, ये डाला, अब एक जंप तक ये अंदर चले जाएं। ओह नो, ये तो भटक गए, सारे बाहर चले गए, कोई बात नहीं, हम देखते हैं क्या होता। सही हो गया 50%, 1 स्टार। अभी भी हमारी कोइन की हेल्थ फुल है और अभी एबिलिटी भी है हमारे पास कोइन की। तो यहाँ पे एक फ्रीज स्पेल एक्सपोफ है, ये तो बाहर चले गए, चलो कोई नहीं, देखते हैं कितना परसेंट अटैक हम लेकर जा पाते हैं और कितनी लूट ले पाते हैं हम इस स्पेस पे। सो यहाँ पे एक हील स्पेल,
तो गाइस ये देखिए ऑलमोस्ट हमने काफ़ी ज़्यादा लूट ले लिया, बस डार्क लेकिन नहीं हो पाया। अभी डार्क एलेक्सर अंदर है, कोर में है डार्क एलेक्सर सबसे ज़्यादा, तो हम वहीं देखते हैं। कोइन और किंग विंग सब वहीं जा रहे हैं। तो ये सीसी डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब किंग टाउन हॉल पे गया। वेलकरीज ने एक्स फोर डिस्ट्रॉय कर दिया है, हिडन टेस्ला भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। यहाँ पे 88% अटैक हमारा हो चुका है, ये 89% हो गया है। अब देखते हैं क्वीन को एबिलिटी देनी चाहिए, नहीं अभी थोड़ी देर वेट करते हैं, कुछ देर वेट करेंगे क्वीन की एबिलिटी को, अभी नहीं देंगे, वेट करेंगे वेट करेंगे। सो गाइस यहाँ पे मोटर भी डिस्ट्रॉय हो रही है। सो गाइस अब हमें क्वीन की एबिलिटी ले लेनी चाहिए, तो अब हम ले रहे हैं क्वीन की एबिलिटी, ये ले ली क्योंकि टाइम प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो यहाँ पे 18 सेकंड रह रहे हैं, क्या ये 100% हो पाएगा? परफेक्टली हो पाएगा गाइस, और ये हो गया हमारा 100%। तो हमने गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 लाख की लूट और 3000 डार्क एलेक्सर ले लिया है, और 100% लग गया 21 ट्रॉफीज़ के साथ। सो गाइस इसी तरीके से अगर आप टाउन हॉल 9 पर नए आए हैं तो मेरे को लगता है कि आपको ये स्ट्रेटेजी ज़रूर यूज़ करनी चाहिए, ये बहुत ही अच्छी अटैक स्ट्रेटेजी है, और आप चाहें तो इसे वॉर में भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस आपने ये देखा, ये देखिए हमारी एलेक्सर स्टोरेज पूरी फुल हो चुकी थी, अभी मैंने ट्रेन पे लगाया तो इतनी हो गई है, और डार्क एलेक्सर भी 1 लाख हो चुका है। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।